But then good things happened in 2016. You हाँ got married हाँ to Sheetal. उनका भी काफी रोल रहा है बिल्कुल. to, जो you know, इनफैक्ट all the 2012 time. में 2012 में मैं रेडी था क्रिकेट को छोड़ने को. और मेरे मेरे पास दो ऑप्शन थे मनीष. एक ऑप्शन था या खुदकुशी करना, सुसाइड कर लेना. दूसरा ऑप्शन था कि सब छोड़ के मैं कहीं और किसी और देश में चला जाऊं और वहां से जिंदगी को रीस्टार्ट करूं, क्योंकि मैं तंग आ गया था खुद की जिंदगी में. आई रीच्ड अ प्लेस वेयर मैंने अपना प्रोग्रेस मेरे टीममेट्स के फेलियर में देखा. तो जब मेरे टीममेट्स फेल हो रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अरे यार ये अच्छा है मेरे लिए. तो और मैं करीबन एक साल पूरा 11 months to 1 year मैं अपने आप को नहीं देखा आईने आईने में. आई डिडंट लुक एट माई सेल्फ, क्योंकि इतना शर्मिंदा था अपने आप से. आई वाज सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ दैट आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर. तो इट इज एट दिस फेज एंड इस फेज पे लोगों को लोग जानना चाहिए कि मैं सेकेंड हाईएस्ट पेड आईपीएल प्लेयर था इस टाइम पे. तो मेरे जिंदगी में पैसे का कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन और इतना इससे मतलब स्ट्रगल से गुजर रहा था तब. क्योंकि आई इट डिडंट मेक अ डिफरेंस कि मैं कितना पैसे कमा रहा हूँ. मनी डिडंट ब्रिंग मी एनी हैप्पीनेस एट दैट पॉइंट. आई सो मच सो दैट इन द मिडिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैं सोचा कि यार सब छोड़ के निकल जाऊं यहाँ से, कहीं और शुरू करूं. उस टाइम पे शीतल शीतल मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उस टाइम पे. तो ये चीज सिर्फ उसके साथ डिस्कस किया था मैंने. बोला कि यार मुझे ऐसे लग रहा है या मैं अपने आप या मैं खुदकुशी कर लूं या मैं कहीं और जाके शुरू करूं. तो उसने बोला कि उसका इमीडिएट 5 मिनट सोच लिया उसने, सुना मेरी बातों को. एंड देन शी आस्क्ड मी डू यू स्टिल लव द गेम. आई सेड आई लव द गेम विच इज व्हाई आई हेट हु आई हैव बिकम ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम एंड आई कांट लाइक आई डोंट लाइक माई सेल्फ आई डोंट लाइक हु आई एम एनी मोर. तो उसने बोला डू यू लव द गेम. आई वाज लाइक यस आई लव द गेम. लाइक लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डिफर योर डिसीजन बाय 6 months. तुम एक और आईपीएल खेल लो, उसके बाद तुम जाना चाहते हो चले जाओ. वो उसने बोला कि खुदकुशी एक सोल्यूशन नहीं है. उसने समझाया मुझे दैट दैट सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, पर यू नीड टू लुक एट अदर ऑप्शन, यू नीड टू लुक एट अदर थिंग्स, डोंट गिव अप ऑन लाइफ, यू नो यू हैव टू फाइट. Then she said, okay, give 6 months. And based on her word, I said, okay, I'll give, based on my word to her, मैंने बोला कि हाँ ठीक है, I'll give 6 months to myself. And she said, don't play cricket for competition, don't play cricket to make a comeback to the Indian team, don't play cricket for anything, just play cricket for why you played cricket when you were a child. Play cricket because you love the game. और ये जनवरी में कॉन्वर्जेशन हुआ था, फेब्रुवरी में हमारा विजय हजारे टूर्नामेंट था, उसमें मैं टॉप स्कोर किया, 200-350 मारे लीग स्टेजेस में. हम लोग क्वालिफाई होके क्वार्टर फाइनल में हार गए थे. उसके बाद डोमेस्टिक T20s हुआ मुश्ताक अली, उसमें भी बहुत सारे रन बनाए. उसके बाद आईपीएल हुआ, आईपीएल में मैं टॉप 3 या 4 रन गेटर्स में था 2012 में. हमारे टीम में पुणे वॉरियर्स के लिए खेल रहा था, हम लोग मतलब 9th या 10th पोजिशन आए थे उस एडिशन में. पर फिर भी मैंने अपना खुद का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा. तो उसके बाद मेरा लाइफ चेंज होने लगा. आई रीडिस्कवर माई पैशन फॉर द गेम. प्रवीण सर, प्रवीण आमरे सर से मिलना हुआ और उनसे बहुत क्लोज हो गया. वहां से मेरा शिफ्ट पूरा चेंज, शिफ्ट पूरा वापस आ गया था मेरे लिए. Amazing. तो दैट वाज द टर्न अराउंड फॉर मी इन माई लाइफ.